हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे द विंटर लाइट ऑफ फेस्टिवल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये नई वीडियो। द विंटर लाइट ऑफ फेस्टिवल ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो विंटर के एंड में बहुत सारे कंट्रीज में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मतलब है कि एंड ऑफ द विंटर सीजन का सेलिब्रेशन करना और नए सीजन का वेलकम करना। यहाँ तो ये बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये वॉल के ऊपर इन्होंने लाइट्स को यूज करके बहुत प्यारा सा आर्ट बनाया हुआ है जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। कई जगह पे तो आर्ट्स के वर्कशॉप्स रहते हैं, लाइट्स का यूज करके बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशंस भी करते हैं। इसके अलावा म्यूजिक और स्ट्रीट फूड का भी ये लोग मजा लेते हैं। इस लड़की का रिंग शो तो मेरा सबसे फेवरेट शो रहा, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था इसने। एट अ टाइम 10 to 12 रिंग्स एक बैलेंस करना इतना भी इजी नहीं है, और इस फेस्टिवल में आने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं थे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही था। और यहाँ पे बच्चों के लिए और एक गेमिंग जोन था जहाँ पे बहुत सारे पोल्स थे और हर एक पोल के ऊपर फ्लावर जैसा इन्होंने डिजाइन किया हुआ था। जैसे भी बटन प्रेस करोगे तो म्यूजिक बज जाती थी जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मेरे ख्याल से इस फेस्टिवल में से बच्चों का सबसे फेवरेट गेम यही रहा। ऑलमोस्ट सारे बच्चे यहाँ आके इस गेम को एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि विंटर को बाय बाय ये कर दो और नया सीजन का वेलकम करो। अभी आप यहाँ अलग अलग कॉस्ट्यूम के लोग देख सकते हो। यहाँ एक पियानो भी था जो श्लोक का सबसे फेवरेट रहा, उसने तो बहुत एंजॉय किया यहाँ। ये जनरली रीबर्थ ऑफ द स्पिरिट एंड माइंड ऐसा इनका मानना है। ये फेस्टिवल हिंदू कल्चर से भी जुड़ता है। कैसे? हिंदू कल्चर में लाइट का मतलब माइंड ऑफ एलिमिनेशन भी होता है, जिसमें हम हिंदू लोग दिवाली बहुत जोर से सेलिब्रेट करते हैं और हम लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं। उसी तरह यहाँ के लोग लाइट्स के यूज करके पेंगुइन, स्नोमैन, फ्लावर्स ऐसे बहुत सारे स्टैचूज बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।